सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑफिशियल वेबसाइट onpassive.com के बारे में। काफ़ी फाउंडर्स का मेरे पास लगातार मैसेज आ रहा है कि सूरज जी ये बताइए कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन लिंक क्लोज हो चुका है, यानी कि न्यू फाउंडर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम onpassive.com ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते हैं, विजिट करते हैं, तो वहाँ पर अभी भी एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, रिक्वेस्ट एंड इन्विटेशन टू बिकम अ फाउंडर। एंड जब हम उस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने किसी एक इन्वाइटर का नेम आता है। उसके बाद जब हम बिकम अ फाउंडर नाउ पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म काम नहीं कर रहा, रजिस्ट्रेशन लिंक क्लोज हो गया है, तो ऐसा क्यों शो कर रहा है? सो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो आपका क्वेश्चन है वो एकदम जायज है, एकदम सही है। लेकिन जब भी आप उस लिंक पे क्लिक करते हो, यानी कि बिकम फाउंडर नाउ पे जब भी आप क्लिक करते हो, तो जब भी आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होता है, तो जैसे ही आप वहाँ नए डिटेल के साथ में, यानी कि अगर आप न्यू फाउंडर का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, तो जब भी आप वहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फिल करोगे एंड रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करोगे, तो आपके सामने एक ही मैसेज आएगा, सॉरी परमानेंटली सोल्ड आउट। ओके, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, किसी भी नए फाउंडर का रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर सकते हैं किसी भी लिंक के थ्रू, चाहे वो बैक ऑफिस का लिंक हो या फिर onpassive.com का कोई भी लिंक हो। किसी भी लिंक के थ्रू आप कोई भी नया फाउंडर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप खुद चेक कर लीजिए, onpassive.com ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर नए फाउंडर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी कि फिल कीजिए, वहाँ पे डिटेल डालिए, उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक कीजिए, आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा। फ्रेंड, आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर जरूर हो गया होगा। वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।